किए गए सबूतों में बरामद शुदा हेरोइन, गिरफ्तारी का वक्त, बरामद शुदा असला, हमराई गुंडे, हेरोइन की कीमियाई तजियाती रिपोर्ट और दो दर्जन के करीब गवाहान जिन्होंने राना सनाउल्ला और इस गैंग के खिलाफ सबूत पेश किए। अरेस्ट के बाद क्रेडिट अल्लाह के बाद ANF की प्रोफेशनल फोर्स को, जन साहब और उनकी टीम को जाता है। अरेस्ट होने के बाद हमें लीड्स पे आगे काम करते करते तकरीबन तीन हफ्ते राना सनाउल्ला साहब की गाड़ी को, राना सनाउल्ला साहब की मूवमेंट्स को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया, गेज किया, उसकी फुटेजेस, तमाम तर चीजें हमारे पास मौजूद है। अगर इसी तरह की चार और ये चीज यहां से जानी थी लाहौर और लाहौर से आगे फिर इंटरनेशनल मार्केट में जानी थी, ये 15 किलो हेरोइन की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की इमेज और फिर सबसे बढ़कर सब जिलाली परचम का ग्लोबल परसेप्शन और फिर क्या आलमी सतह पर जो हमने अभी ANF के हवाले से, जो अचीवमेंट के हवाले से जन साहब आपको बताएंगे, तमाम चीजें A to Z अदालत में पेश की जाएंगी। और ये इतना ये जालिम और इतने ये खतरनाक किस्म के लोग हैं कि हम हर डिटेल इसलिए भी नहीं आपके साथ शेयर कर सकते कि उन लोगों को ये बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे आगे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें कौम के सामने आएंगी। अब कोई नहीं बचेगा इंशाल्लाह, कोई कानून से बालतर नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि हमने जब भी किसी बंदे को पकड़ा उसको सबूत के साथ पकड़ा, उसकी इन्वॉल्वमेंट के बाद पकड़ा और उसको कैसे करदार तक पहुंचाया। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, शायद उनका भी जवाब ना दें। लेट इट बी इन द कोर्ट, हम कोर्ट ऑफ लॉ में बिल्कुल प्रूव करेंगे कि कब से इन्वॉल्व है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। आई थिंक अपोलोजाइज इट बी लिटल अर्लियर एंड इट माइट हार्म द केस, इट माइट गिव कीजिए पूरी की पूरी। आई वुड लव टू गिव यू आंसर, लेकिन कंपल्शन ऐसी हैं, द केस इज इन द कोर्ट, प्लीज गिव अस अ लिटल टाइम, वी गेट बैक टू यू। पहले आपको बताएंगे फिर चलेंगे, बट लेट अस गेट इन। आपको मैं बार बार बता चुका हूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज विटनेसेस हैं, जहां तक सबूत है A to Z तमाम सबूत जो है वो इंशाल्लाह कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किए जाएंगे। क्यों इसको, एक मिनट लेट मी, कि जब इस तरह का एक्शन होगा, कैमरे ऑन हो जाएंगे, फिल्म बननी शुरू हो जाएगी, प्लीज गिव अंडरस्टैंड इट, ये कोई फिल्म नहीं बन रही है जहां पे हम कैमरे लेकर खड़े हो जाए, देर तक प्रूफ, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि हम कहीं पीछे हट जाएं, रीटेक करें, दोबारा फिल्म बन रही है, ये फिल्म नहीं है। इट्स अ लाइफ सिचुएशन, इट इज अ वॉर सिचुएशन जहां पे उनके गार्ड है, हमारे लोग हैं। हाउ इज इट पॉसिबल इन मॉनर समवेयर इन वॉर आप कहीं ठहर जाए, दोबारा रीटेक करना है? एनीवन खालिद तारिक कासिम, प्लीज ये ब्रीफकेस दोबारा पकड़िए, मैंने फिल्म बनानी है, आप जरा बैठ जाए, मैंने फिल्म बनानी है। इट्स अ वॉर सिचुएशन, हजारों लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, गार्ड है, दुनिया खड़ी है, अंडरस्टैंड इट इज नॉट पॉसिबल। तमाम सबूते जो सबूत है हमारे पास वो इंशाल्लाह इंटैक्ट हैं और वो तमाम चीजें पेश की जाएंगी, गाड़ी की मूवमेंट, गाड़ी के नंबर प्लेट्स, तीन दफा उनके साथ फैमिली मेंबर्स थे फीमेल, नहीं रोका गया, सलाम है इन पूरी इनकी फोर्स को कि इन्होंने फैमिली और हमारे जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज को सामने रखे कि फीमेल है नहीं, अभी हाथ डालना, उस वक्त हाथ डाला और तमाम चीजें आप जो आपके जेहन में है ना सब कोर्ट में पेश की जाएंगी।